होने वाला है WPL का महासंग्राम। लड़ेंगी 5 टीमें, होगा घमासान। दूसरा सीजन मिलेगा दूसरा विनर। महिला प्रीमियर लीग का दूसरे सीजन का आगाज होने वाला है। WPL के 2024 सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 9 दिसंबर को मुंबई में होने वाली है। इस रोमांचक आयोजन में 5 टीमों को पिछले सीजन की तुलना में 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पर्स मिलेगा। दिन भर चलने वाली नीलामी के दौरान 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 30 स्लॉट पर बोली लगाई जाएगी। बता दें कि महिला प्रीमियर लीग में कुल 5 टीमें खेलती हैं, जिनमें मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स शामिल हैं। इन 5 टीमों में 30 खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं, जिनमें 9 विदेशियों के हैं। इससे पहले पिछले सीजन के 60 खिलाड़ियों को टीमों ने रिटेन किया है, जिसमें 21 विदेशी शामिल हैं। वहीं 29 खिलाड़ियों को 5 टीमों से रिलीज किया गया था। WPL के पहले सीजन को फैंस ने काफी प्यार दिया, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर विभिन्न देशों के टॉप प्लेयर्स ने अपना जलवा दिखाया। टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले गए थे और इसका आयोजन मुंबई के 3 मैदानों में किया गया था। हालांकि अभी तक BCCI ने फ्रेंचाइजी को दूसरे संस्करण की तारीखों और प्रारूप के बारे में नहीं बताया है। पिछले साल हुए ऑक्शन के दौरान 7 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रुपए की बड़ी बोली हासिल की थी, जिनमें 3 स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना, एशले गार्डनर और नैट सीवर ब्रंट को 3 करोड़ रुपए से अधिक मिले थे। उद्घाटन WPL सत्र में टीमों के पास अपना स्क्वाड बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट था, जिनमें 5 फ्रेंचाइजी में से 2 ने इस राशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया था। आपको बता दें कि गुजरात जायंट्स, जो पिछले सीजन में टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी, उसने अपनी लगभग आधी टीम को ही रिलीज कर दिया है। 3 विदेशी खिलाड़ियों को मिलाकर उसके पास कुल 10 स्लॉट खाली हैं। वहीं उनके पर्स में 5.95 करोड़ रुपए बचे हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। यूपी वॉरियर्स के पर्स में 4 करोड़ रुपए हैं और इन्हें 5 खिलाड़ियों की स्लॉट फुल करनी है, जिसमें 1 विदेशी स्लॉट भी खाली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 3 विदेशी मिलाकर 7 खिलाड़ियों की जगह भरनी है और उसके पास 3.35 करोड़ रुपए बचे हैं।